Ladakh, a place which is part of everyone's bucket list. Mostly road trips, kisi ka Royal Enfield se to kisi ka car se. But for a place like Ladakh, you need plans. Lekin mera nahi tha. संजीव, एक आदमी प्रोजेक्टर करेगा, लद्दाख भी घूमने को मिल जाएगा। अरे निकल लगा मैं। हाय गाइस, हाय, हेलो, हाय, आवाज बैठ गई है। गाइस, वी हैव रीच लद्दाख। इट फकिंग सो मच कोल्ड है। This is my room. Hello. Hi, Sanjeev. Hi. Meeting pe itni baar uthaya, utha hi nahi. Check this way. So, लद्दाख में कहीं पर हैं हम, स्टे कर रहे हैं गंगा किनारे से इंडस रिवर तक। यो डेवन तो आज तक पूरा बिल्कुल पूरी नसीहत ही रहती कि हम बेटा मारा भी करें। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा समय बिताने के बाद हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब जितनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स को जाएगा, इवन व्हेन द एयर इज थिन। दिस इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। हेलो राहिस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से एक और फ्लैशबैक व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो भाई कब करोगे? घर पे आओगे बताने हैं? तो फ्लैशबैक व्लॉग के बारे में ज़रा सा बता दूँ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं लद्दाख गया था। जाना तो मैं बाइक से जाता था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। So after reaching Leh city, we were placed in army guest house. And visiting Leh in off seasons or winters can be disastrous because सब कुछ बंद होता है, restaurants नहीं खुले होते हैं, hotels. लेकिन if you are with the army, then they will take care of everything. So we stayed there for next 2 days. पूरा ढका हुआ है खुद को, तब भी हालत खराब है, कहीं ना कहीं से हवा घुसी जा रही है। For the next 10 days. ठंड बहुत लग रही है, लेकिन नहीं पता नहीं चल रहा जब तक हम गेस्ट हाउस में बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। गेस्ट हाउस में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टैमिना चाहिए कुछ भी करने के लिए। स्टैमिना चाहिए। मैंने बताया था कि 1990 में क्लाउड बस्ट हुआ था। हाँ, मेरे को बताया था। पूरा रेजिमेंट भाग गई थी। एक्चुअली ना वो यही फैक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ कम क्यों है। पेड़ कम जानबूझ के लगा रखे हैं क्योंकि ताकि पेड़ कम रहेंगे तो बारिश होने के चांसेस भी कम होते हैं। बारिश ना पड़े, सिर्फ स्नोफॉल हो, क्योंकि स्नोफॉल फिर भी सहलेंगे, बट अगर बारिश हो गई ना तो ये एक ऐसे एरिया पे लता कि सब वॉश आउट हो जाएगा। ये भैया ने बताया। हाँ, दूसरे बार लगा के आपका डिफरेंस क्या है? वहाँ पे मैं पागल हो रही थी कि खाने का क्या करे, ये क्या करे, ठंड बहुत थी। फॉर एटलीस्ट खाना वाना सब अच्छा मिल जाता है। विद टाइम, हां, विद टाइम टू टाइम। सुबह बोला है 8 बजे चाहिए तो 8 बजे ब्रेकफास्ट आ गया था। प्रेफर्ड एंटरटेनमेंट। अभी मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बाहर निकलूं, क्योंकि जिस जगह में अभी हम हैं वहां तो बहुत ही आराम है, सब कुछ है, रिलैक्स है। अभी जब हम बाहर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पर समझ में आएगा। जुलाई। कभी कभी मुझे बुरा लगता है डेट वी कॉन्ट कैप्चर वॉट वी आर एक्चुअली सीइंग। फिर ध्यान आता है कि नहीं, शायद ऐसे ही अच्छा है, वरना कोई यहाँ क्यों ही आएगा। कहा जाता है कि लद्दाख आने का सीजन मई टू सितंबर होता है। बात तो एकदम सही है, लेकिन विंटर्स की बात थोड़ी अलग है। एक सन्नाटा है जो आपको फील कराता है कि आप शहर के शोर शराबे से कितना दूर हो। खैर, प्लान्स कुछ और थे लद्दाख के लिए, लेकिन प्लान्स के अकॉर्डिंग ना होना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है।
और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था।